आज बात करने वाले हैं हम हार्ट फेलियर के बारे में। अच्छा, हार्ट फेलियर की जब भी बात आई, यानी तैयारी के दौरान भी हमने तीन चार शब्द सुने थे, या कह दो तीन चार वर्ड सुने थे, डिजीज ऑफ कार्डियक सिस्टम या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की तुम लोगों ने डिजीज पढ़ी थी। तो एनसीईआरटी ने लास्ट में चार पांच शब्द लिखे हैं कि हार्ट फेलियर क्या है, कार्डियक अरेस्ट क्या है, है ना। उसने वहाँ पे एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया है, उसके आधार पर, वैसे मैंने ये शब्द पहले भी कई बार यूज किया है, तो अभी फिलहाल हार्ट फेलियर से तुम क्या समझते हो? एनीवन? मीनाक्षी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्ट फेलियर? हार्ट फेलियर से हम क्या समझते हैं? ठीक है, यानी मीनाक्षी ने बताया कि जो भैया हार्ट की जो इफेक्टिव पंपिंग है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी जितना काम करना चाहिए इसको उतना काम नहीं कर पाता है, इसको अपन हार्ट फेलियर कहते हैं। ठीक है, बाकी और कोई बताना चाहेगा? व्हाट इज द हार्ट फेलियर? चलो सुनो, अब तुम लोगों को यहां पे एक विशेष ध्यान रखना है। वैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी दो बार इस बात को बोल दिया है, लेकिन फिर भी एक बार अपन रिवाइज ये कर लेते हैं कि जो हमारा हार्ट है, इस हार्ट का बेसिक फंक्शन अपन लोगों को सबको पता है कि हार्ट का जो बेसिक फंक्शन है क्या है, यानी फंक्शन ऑफ हार्ट के बारे में अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि फंक्शन ऑफ हार्ट इज टू सप्लाई द डिमांड ऑफ बॉडी एंड लंग्स। यानी जो आपका हार्ट है, हार्ट का फंक्शन क्या है कि फंक्शन ऑफ हार्ट इज टू सप्लाई द ब्लड, है ना, सप्लाई द डिमांड ऑफ बॉडी एंड लंग्स, और किसकी ये जो डिमांड है, दैट इज द ब्लड, ऐसे लिख लो, है ना। यानी हमारे हार्ट की जो फंक्शनिंग है वो ये है कि हमारे शरीर को और हमारे जो लंग्स को ब्लड चाहिए, है ना, उसको प्रोवाइड करना, उसको पंप करना, ये हार्ट का नॉर्मल फंक्शन है। लेकिन किसी स्थिति में, अगर किसी भी स्थिति में, जैसा अभी मीनाक्षी ने बताया, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी स्थिति में अगर आपका हार्ट, यानी अगर इसे हम लिखें कि हार्ट फेलियर क्या है, तो अपन लिखेंगे इस तरीके से, हार्ट फेलियर, इसके आगे लिखेंगे इट इज इनएडेक्वेट। अब ध्यान रखना, इनएडेक्वेट का मतलब, यानी एडेक्वेट का मतलब होता है सफिशियंट, तो इनएडेक्वेट का मतलब है कि आपको जितनी जरूरत है ना, इनएडेक्वेट पंपिंग ऑफ ब्लड टू बॉडी एंड लंग्स। ध्यान रखेंगे, ये बार बार मैं एक शब्द यूज कर रहा हूं, बॉडी एंड लंग्स, है ना, तो इसका रीजन बताऊंगा। तो हार्ट फेलियर बेसिकली आप लोगों को ये याद रखना है कि हार्ट फेलियर वो कंडीशन है जब आपका हार्ट सफिशियंटली ब्लड पंप नहीं कर पाता है, यानी जितना बॉडी को और लंग्स को जितना ब्लड चाहिए, अगर उतना जो है ब्लड पंप नहीं करेगा, तो वो हार्ट फेलियर की कंडीशन है। अच्छा, एक बेसिक बात तुम लोगों को याद रखनी है कि जो हमारा ब्लड है, इस बात को हम फिजियोलॉजी में पढ़ के आए हैं कि जो हमारा ब्लड है, इट इज़ द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट, है ना, न्यूट्रिएंट इन द सेंस, अभी हम ये समझेंगे, ग्लूकोज। यानी हमारी बॉडी के अंदर जो सेल को ग्लूकोज चाहिए, जो सेल को ऑक्सीजन चाहिए, इसको सप्लाई करने का जो फंक्शन है, ये आपके ब्लड का है, यानी ब्लड इज द कैरियर। तो सपोज दैट अगर एडिक्वेट ब्लड सप्लाई नहीं होगी, तो क्या मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि ड्यू टू हार्ट फेलियर अगर ये हार्ट फेल हो रहा है, हार्ट फेलियर, द सप्लाई ऑफ ओ टू एंड ग्लूकोज विल ऑल्सो रिड्यूस। यानी सिंपल भाषा में अगर समझें तो हमें याद रखना है कि अगर ब्लड सफिशियंट मात्रा में सप्लाई नहीं होगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से सेल को, टिश्यू को ऑक्सीजन और ग्लूकोज की मात्रा नहीं मिल पाएगी। यानी जो रिक्वायरमेंट है, बेसिकली ये समझना है कि जब हार्ट फेलियर की कंडीशन आएगी, तो
प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होगा, और प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होगा तो जो ब्लड के कार्य हैं यानी ब्लड जिन चीज़ों का कैरियर है वो समय पे नहीं पहुंच पाएंगी, सफिशिएंट मात्रा में नहीं पहुंच पाएंगी। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि हार्ट फेलियर की कंडीशन में है ना, जो भी नॉर्मल फंक्शन हार्ट के हैं, जो भी मेंटेनेंस ऑफ सर्कुलेशन का काम है वो नहीं हो पाएगा। अब अगर मैं हार्ट फेलियर को और बेसिक वे में समझाने की कोशिश करूं, तो हम लोगों ने ये सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आज सुनेंगे कि जो हार्ट फेलियर की कंडीशन है ना, अब हार्ट में जब मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था हीमोडायनामिक्स के बारे में, जब मैंने बताया था तो मैंने वहाँ पे दो तरीके के सर्कुलेशन बताए थे, यानी अगर आप लोग याद कर पा रहे हैं तो मैंने बताया था वन इज़ द पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड अनदर वन इज़ द सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या ये शब्द किसी को याद आ रहे हैं, क्या ये बात याद आ रही है कि ये क्या चल रहा है? हाँ, तो मैंने बताया था कि पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन, तो आपको याद रखना है कि जो आपका राइट साइड का पार्ट होता है उसको अपन पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, और जो लेफ्ट साइड का सर्कुलेशन होता है अपन उसे सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। यहाँ पे सर्कुलेशन को इस तरीके से आपको समझना है कि अगर मेरी मान लो ये राइट साइड की जो फंक्शनिंग है यानी पल्मोनरी सर्कुलेशन की जो प्रोसेस है इसमें कोई दिक्कत आती है, यहाँ से सफिशियंट मात्रा में ब्लड अगर सप्लाई नहीं किया जाता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं राइट साइडेड हार्ट फेलियर। याद रखेंगे राइट साइडेड हार्ट फेलियर, यानी जो राइट साइड का हार्ट है अगर ये फेल हो रहा है तो आपको याद रखना है, या इसी को अपन कहेंगे फेलियर इन द पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसी तरीके से अगर आपका सिस्टमिक पार्ट या सिस्टमिक सर्कुलेशन है वर्ड होता है तो अपन इसे बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर या लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। ध्यान रखेंगे इस पे लिखेंगे लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। अब मैंने अभी एक शब्द यूज कर दिया, पहले थोड़ा सा मैंने क्या बोल दिया था लेफ्ट साइडेड वेंट्रिकुलर फेलियर, या इसी को अपन बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। जो भी तुम लोग जैसे किसी की एंजियोग्राफी की रिपोर्ट देखोगे तो वहां पे दो शब्द फ्रीक्वेंटली तुमको लिखे मिलेंगे, अगर देखोगे दैट इज द LVF और या इधर लिखेगा तुम्हारा RBF। अब ये है क्या, तो इन दोनों शब्दों को अपन समझेंगे, इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकुलर फेलियर और इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग जानते हो पंपिंग का जो जिम्मा है वो किसका है भैया, पंपिंग का जिम्मा आपके वेंट्रिकल्स का है। तो अगर आपके राइट वेंट्रिकल्स में प्रॉब्लम आती है यानी राइट वेंट्रिकल इफेक्टिवली पंप नहीं करता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, और अगर ये कंडीशन लेफ्ट साइड में होती है तो इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यानी हार्ट की दो पार्ट हैं जो आपके राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके आधार पर हमारा जो सर्कुलेशन है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन दो प्रकार का है। इसी तरीके से राइट साइडेड हार्ट फेलियर और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर यानी हार्ट फेलियर भी दो तरीके का है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों के? ठीक है, अब इसी सीक्वेंस में देखो, मैंने इसको थोड़ा सा इसी में ड्रॉ करके मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप राइट साइडेड में देखेंगे तो राइट साइड का जो ब्लड है, राइट साइड से जो ब्लड जाता था, याद करना हीमोथर्मो जो मैंने तुम लोगों को हीमोडायनेमिक्स पढ़ाई है उसमें याद रखना कि आपके राइट साइड से पल्मोनरी जो का है आर्टरी से ये ब्लड जाता था किसमें, लंग्स में, और इसी तरीके से आपका लेफ्ट साइड से ये ब्लड करता था रन करता था एओर्टा में। क्या ये बातें तुम लोगों को याद आ रही हैं, क्या ये बात समझ में आ रही है? यानी लंग्स के लिए जो ब्लड जाता था विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, जबकि आपके एओर्टा से जो यानी लेफ्ट साइड से जो ब्लड रन करता था वो एओर्टा की मदद से करता था। अब आपको याद रखना है कि अगर किसी भी कंडीशन में राइट और लेफ्ट दोनों ही फेलियर की कंडीशन होती है यानी राइट साइडेड हार्ट फेलियर एज वेल एज द लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, इस कंडीशन को याद रखना, इसको बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। एनसीईआरटी में ये शब्द यूज हुआ है लेकिन जनता वहां कंफ्यूज हो जाती है, इसको थोड़ा सा और समझेंगे ध्यान से, है ना। तुम लोगों ने ये बात सुना होगा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, क्या ये शब्द किसी ने सुना है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या इसी को दूसरा नाम बोलते हैं बाई वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर, क्या ये शब्द किसी ने सुने हैं, वाई वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर। वैसे तो इसके नाम ही बता रहे हैं वाई वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर
है ना भैया, राइटिंग आगे पीछे ओवरलैप कर रहा है मुझे लग रहा है ना, पेन थोड़ा सही से काम नहीं कर रहा है, तो उसको मैं बोल रहा हूँ तो सुनते रहना। वाई वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर, या इसी को आपको याद रखना है, इसी को बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब देखो ये जो शब्द हैं दोनों अपने आप में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वाई वेंट्रिकुलर का मतलब है दोनों वेंट्रिकल का फेल हो जाना, यानी राइट साइडेड वेंट्रिकल का फेल हो जाना एज वेल एज राइट साइड के वेंट्रिकल का फेल हो जाना। लेकिन एक शब्द आ रहा है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अच्छा कंजेशन का मतलब क्या होता है? कंजेशन एक अंग्रेजी में अगर इसे सिंप्लीफाई से मान लो करें अपन, है ना, तो इसका मतलब क्या होता है? कंजेशन का मतलब ओवरलोडेड, है ना, या भीड़ वाला एरिया, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये काफी कंजेस्टेड एरिया है। कंजेस्टेड का मतलब है भीड़ भाड़, ज्यादा मात्रा में। तो आपको ऐसे समझना है कि जब हमारे शरीर में, यानी पर्टिकुलर हम हार्ट की बात कर रहे हैं, तो अगर हमारे हार्ट में जो ब्लड की मात्रा है वो ज्यादा हो जाती है, ज्यादा इन द सेंस मतलब जितना इसे पंप करना चाहिए उतना ये रिसीव करता है, जितना रिसीव करता है उतना पंप करता है ना। फिजियोलॉजी में हम जानते हैं कि वेंट्रिकल्स जितना ब्लड रिसीव करते हैं उतना पंप करते हैं। तो अगर मान लो इसकी पंपिंग जो है कम हो रही है, रिसीव ज्यादा कर रहा है, या रिसीव ज्यादा कर रहा है पंपिंग कम हो रही है, तो इस तरीके का कोई भी इकट्ठा ब्लड का इकट्ठा हो जाना, ब्लड का ये समझ लो कि एक्यूमुलेट हो जाना, भर जाना, ये कंजेशन को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि कंजेशन में मैं अभी और थोड़ा सा साइड में जाऊंगा कि लंग्स कंजेशन क्या होता है, हार्ट कंजेशन क्या होता है, उसको अपन समझेंगे। लेकिन अगर ये कंडीशन क्रिएट होती है, कहीं पर भी कंजेशन शब्द यूज हो रहा है तो आपको याद रखना है, कंजेशन शब्द अगर यूज हो रहा है तो आपको याद रखना है कि आपके राइट और लेफ्ट दोनों वेंट्रिकल इन्वॉल्व हैं। क्यों? क्योंकि याद रखना, जिस तरीके से हीमोडायनेमिक्स मैंने पढ़ाई है उसको अगर तुम रिवाइज कर पा रहे हो, तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि आपके राइट एट्रिया से ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल्स में, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड आपका जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, सॉरी पीए, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है, और लंग्स से ब्लड आपका किससे जाता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू जाता है, ये जाता है आपका लेफ्ट एट्रिया में, और लेफ्ट एट्रिया से जाता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एओर्टा में रन करता है, और एओर्टा से फिर आपका बॉडी टिश्यू में, और बॉडी टिश्यू से इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा, है ना, इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा, इनके थ्रू ये डायरेक्ट फिर आपका राइट एट्रिया में जाता है, और इस तरीके से ब्लड आपका रन करता है। तो अगर मान लो यानी यहाँ पे कंजेशन हो रहा है, कंजेशन का मतलब भीड़ भाड़, यानी ज्यादा लोग आ रहे हैं कम निकल पा रहे हैं। आपको ऐसे याद रखना है कि यहाँ से ब्लड रन करके जा रहा है, अगर ये दोनों लोग अपना काम प्रॉपरली करें, यानी ये भी अब राइट वेंट्रिकल्स भी अपना सही से काम करें, इसी तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल, तो कंजेशन नहीं होगा। अगर कंजेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, एक ज्यादा पंप कर रहा है तो एक कम रिसीव कर रहा है, एक ज्यादा पंप कर रहा है तो दूसरे को रिसीविंग कम है, या दूसरे की रिसीविंग ज्यादा है तो दूसरे की पंपिंग कम है। तो इस बात का याद रखना है आपको कि जब भी कंजेशन शब्द यूज करें तो कंजेशन का मतलब भैया इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ लंग्स होता है, सॉरी बोथ वेंट्रिकल्स होता है। हालांकि दोनों के केस में पैथोलॉजी अलग अलग हो सकती है ना, अभी जब डिटेल में जानेंगे तब इस पे बात करेंगे, पैथोलॉजी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन आपको याद रखना है कंजेशन का मतलब क्या है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ वेंट्रिकल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? अरे क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर तुम लोग इतना समझ पा रहे हो तो यहां से मुझे एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट तुम लोगों को देना है, ताकि ये चीजें आगे तक तुमको याद रहे। अगर मैं मान लो इसी को क्रोनिक हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो मैं कह रहा हूं, अब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की जो बात आ रही है, तो मैंने बताया कि राइट वेंट्रिकुलर फेलियर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, ये दो कंडीशन है, जब दोनों इन्वॉल्व होते हैं तब मैं इसको बोलता हूं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अभी मैंने जैसा रिपीट किया, अगर मान लो राइट साइड अफेक्टेड है, जैसा अभी तुमने पढ़ा, तो राइट साइड से ब्लड कहां जाता है भैया, पल्मोनरी आर्टरी में जाता है ना, अभी पढ़ा है हमने। तो मान लो राइट साइड से प्रॉपर पंपिंग नहीं होगी, तो क्या मेरी पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाएगा? नहीं जाएगा। अगर मान लो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड नहीं जाएगा, तो क्या मेरे लंग्स में ब्लड जाएगा? नहीं जाएगा। अरे क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? राइट वेंट्रिकुलर फेलियर की जो कंडीशन है भैया, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड नहीं जाएगा तो लंग्स में ब्लड नहीं जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? क्या मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? यानी राइट वेंट्रिकुलर फेलियर की कंडीशन जब मैं बोल रहा हूं, इफ देयर इज अ राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, इन दैट केस सप्लाई ऑफ ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी विल बी रिड्यूस, और अगर पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड नहीं जाएगा तो लंग्स को ब्लड नहीं मिलने वाला। इसी तरीके से जब लेफ्ट वेंट्रिकल की बात आती है,
तो लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ब्लड कहाँ रन करता है, एओर्टा में ब्लड जाता है। अगर ये यहाँ पर वेंट्रिकल्स फेलियर होगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होगा, इन दैट केस देयर विल बी लेस सप्लाई ऑफ ब्लड इन टू द एओर्टा। और अगर एओर्टा में भाई साहब ब्लड नहीं जाएगा तो ये बॉडी की डिमांड को पूरा नहीं कर पाएगा। क्या बात क्लियर हो रही है? यानी राइट वेंट्रिकुलर फेलियर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर को इफ वी डिस्कस सेपरेटली देन वी कैन अंडरस्टैंड अगर राइट वेंट्रिकुलर फेलियर के केस में सप्लाई ऑफ लंग्स यानी ब्लड की जो डिमांड है वो लंग्स के लिए रिड्यूस होती है, व्हाइल इन केस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर सप्लाई ऑफ द ब्लड इज हैवीली रिड्यूस टू द बॉडी टिश्यू। क्या ये बात क्लियर हो रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है भाई? ठीक है, अगर इसी चीज को हम अपने ओवरऑल जो मैंने अभी तुम लोगों को हीमोडायनेमिक्स पढ़ाई है उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे दो केस बनते हैं, है ना, और उन दोनों केसों को अपन हल्का सा डिस्कस करेंगे। तो एक हेडिंग लगाएंगे हीमोडायनामिक्स ऑफ राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। यानी अगर राइट वेंट्रिकुलर फेलियर होगा तो ब्लड का पाथ क्या होगा। हीमोडायनामिक्स से मतलब भैया सीधा सा हीमोडायनामिक्स बार बार बड़ा लंबा चौड़ा सा शब्द यूज हो रहा है। हीमोडायनामिक्स का मतलब है ब्लड किस पाथ से रन करता है। तो अगर राइट वेंट्रिकुलर फेलियर की कंडीशन आएगी तो तुम लोग यहां से वैसे तो पहले से अवेयर हो, लेकिन फिर भी एक बार अपने आप को थोड़ा सा समझा लो कि तुम्हें याद है। यानी आपका राइट एट्रिया से ब्लड रन करता है, कहां जाता है राइट एट्रिया से, तो राइट एट्रिया से आपका ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल्स में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी से जाता है लंग्स में, और लंग्स से जाता है पल्मोनरी वेन में, और पल्मोनरी वेन से आपका लेफ्ट एट्रिया में ब्लड जाता है, और लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से मैं यहाँ पे फिर लिख रहा हूँ बॉडी में, और बॉडी से कहाँ जाता है आपका, मैंने अभी बताया कि इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा, इन दोनों की मदद से अगेन इट पोर्ड इन टू द, या ये कह सकते हैं इसको दोबारा से ढकेल दिया जाता है, दोबारा से पोर कर दिया जाता है राइट एट्रिया में। अब मुझे यहाँ पे समझाना इतना है कि अगर आपके राइट वेंट्रिकुलर का केस है, फेलियर का केस है, तो तुम जानते हो इस कंडीशन में, है ना, ये जो कंडीशन है इसमें आपको क्या हो रहा है, वेंट्रिकल प्रॉपर अगर काम नहीं करेगा, है ना, तो जब वेंट्रिकल प्रॉपर काम नहीं करेगा तो कौन सा पाथ अफेक्टेड हो जाएगा, मैंने अभी बताया कि वेंट्रिकल से ब्लड की सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी, है ना, और ब्लड की सप्लाई जब रिड्यूस हो जाएगी तो आपको याद रखना है, अच्छा ये पंप क्यों नहीं कर पा रहे हैं भाई साहब। अगर इसको तुम ये सोचो, तुम कहोगे कि ये इफेक्टिवली पंप क्यों नहीं कर पा रहा है ना, तो अब तुमको ये समझना है कि भैया इनको मिल ही नहीं रहा है तो ये पंप कहाँ से करेंगे, बांट तो वही पाएगा ना जिसको मिलेगा। तो अगर राइट वेंट्रिकुलर फेलियर की कंडीशन आती है, इसको बड़े ध्यान से समझना, इसमें हमको लगता ऐसा है कि पैथोलॉजी डेवलप वेंट्रिकल्स में हो रही है, लेकिन वो एक रेयर केस होता है, हालांकि उस पर भी चर्चा करेंगे, रेशियो बहुत है, लेस देन 1% केसेस होते हैं, लेकिन आपको फिलहाल जो कॉन्सेप्ट यहाँ से गेन करना है वो ये करना है कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर की जो पहचान है वो कहाँ से कर रही है, कहाँ से करनी है, इसको भैया मिल ही नहीं रहा है, मिलता कहाँ से है, तो आप कहोगे सर राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आता है वो आपके राइट एट्रिया से आता है, राइट एट्रिया में जो ब्लड आता है वो इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा से आता है, इन्फीरियर और सुपीरियर वेना केवा में जो ब्लड आता है वो आपके बॉडी पार्ट से आता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ब्लड की ये सीक्वेंस समझ में आ रहा है कहाँ से आ रहा है? अगर सीक्वेंस समझ में आ रहा है तो यहाँ पे तुम्हारे लिए एक नया कॉन्सेप्ट है, दैट इज द हीमोडायनामिक्स में आपको याद रखना है कि आपके राइट वेंट्रिकुलर फेलियर कंडीशन में जो इडिमा देखने को मिलता है, याद रखना डिपेंडेंट पार्ट में, डिपेंडेंट पार्ट जो होते हैं बॉडी के, डिपेंडेंट पार्ट ऑफ बॉडी में ईडिमा देखने को मिलेगा, डिपेंडेंट पार्ट ऑफ बॉडी में ईडिमा मिलेगा, दैट इज द लोअर लिम्ब। अब इसको अगर कोई सही से समझ पा रहा है तो याद रखना, मैंने जैसे बताया कि मान लो ये आपका बॉडी है और बॉडी से ब्लड कलेक्ट होकर के इन्फीरियर और सुपीरियर वेना केवा के थ्रू जा रहा है, भैया जब कलेक्शन की एबिलिटी ही नहीं होगी तो ब्लड मेरा कहाँ, यानी इफ राइट वेंट्रिकल इज नॉट एबल टू रिसीव द ब्लड, इन दैट कंडीशन द एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस इन टू द लोअर लिम्ब ऑफ द बॉडी। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यानी बॉडी के लोअर लिम्ब में ब्लड कलेक्शन होना शुरू हो जाएगा, और यही कारण है कि राइट वेंट्रिकल की फेलियर की कंडीशन में
आपको जो बॉडी के अंदर स्वेलिंग मिलती है, जो कलेक्शन ऑफ ब्लड मिलता है वो लोअर एक्सट्रीमिटीज में मिलता है, यानी कंजेशन ऑफ पीडल, या ये कह सकते हो कि लोअर लिम कंजेशन होता है जिसे अपन पीडल इडिमा कहते हैं या स्वेलिंग कहते हैं, पैरों में सूजन होने का रीजन आपको इंडिकेट करता है कि ये कंडीशन किसकी है, दिस इज द कंडीशन ऑफ राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। क्या मेरा कॉन्सेप्ट पल्ले पड़ा कि उड़ गया ऊपर से? कितने लोगों को ये चीज समझ में आई? अरे बॉडी के लोअर लिम से ब्लड कलेक्ट होकर के आपके राइट एट्रिया में आता है, राइट एट्रिया से ब्लड राइट वेंट्रिकल को मिलता है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये कंडीशन किसकी है? राइट वेंट्रिकुलर फेलियर की है। अगर ब्लड हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज में स्टोर बना रहेगा तो उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा? पीडल इडिमा देखने को मिलेगा या स्वेलिंग इन द लोअर लिम देखने को मिलेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है भैया? क्या मैं समझा पा रहा हूं? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, यानी हमने एक बात बेसिक सी हमने ये देखी कि एक करेक्टरिस्टिक जो हमें फाइंड आउट करना था वो हमने ये देखा कि आपका अगर राइट वेंट्रिकुलर फेलियर की कंडीशन है तो किस तरीके से, हालांकि इसमें मैं और अभी चर्चा करूंगा इसी तरीके से। दूसरा, क्योंकि तुम टॉपिक अपन जो डिटेल में बात कर रहे हैं इसको अभी बेसिक एक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं तो वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। इसी तरीके से आपको याद रखना है हीमोडायनामिक्स ऑफ याद रखना है आपको लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं LVF, दैट इज द लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, या इसी को अपन लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर भी अभी मैंने लिखा था। तो अगर आप सोचो फिर वही सीक्वेंस लगाओ, आप देखेंगे कि सर राइट एट्रिया से ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल्स में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड आपका आता है, और पल्मोनरी आर्टरी के बाद ये ब्लड आपका जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के बाद लंग्स में एंटर करता है, लंग्स से फिर पल्मोनरी जो का है वेन के थ्रू ब्लड जाता है, किस में आता है? लेफ्ट एट्रिया में, और लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर अगेन वही साइकिल रिपीट होती है बॉडी में, और बॉडी से इन्फीरियर और सुपीरियर वेना केवा के थ्रू। लेकिन अभी मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि आपकी जो कंडीशन है वो किसकी है? लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर की कंडीशन है। तो भैया लेफ्ट वेंट्रिकल के पास ब्लड आता कहाँ से है? तो सोर्स ऑफ ब्लड अगर आप देख पाएंगे तो सोर्स ऑफ ब्लड क्या है भैया? लंग्स से ही ना इन भाई साहब को ब्लड मिल रहा है, लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रिया में आता है, और लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। तो जिस तरीके से आपके राइट साइड के लिए जो सोर्स था, अगर राइट साइड का सोर्स देखेंगे दैट वाज द इन्फीरियर और सुपीरियर वेना केवा, इसी तरीके से अगर मैं लेफ्ट साइड बॉडी के लिए देखूंगा द सोर्स ऑफ ब्लड विल बी द लंग्स, यानी इनको ब्लड कहाँ से मिल रहा है? लेफ्ट एट्रिया को और लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड कहाँ से मिल रहा है भैया? लंग से मिल रहा है। इफ देयर इज अ फेलियर ऑफ रिसीविंग द ब्लड, अगर रिसीव नहीं कर पाएंगे तो बांट नहीं पाएंगे। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल प्रॉपर ब्लड नहीं दे पा रहा, इसका मतलब क्या है? इसकी रिसीविंग प्रॉपर नहीं है, इसका मतलब लेफ्ट एट्रिया में ब्लड नहीं आ रहा है, और लेफ्ट एट्रिया में ब्लड नहीं आ रहा है तो आता कहां से है? लंग से। तो इन दैट केस देयर विल बी कंजेशन इन द लंग्स, यानी आपका ब्लड जो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा वो लंग्स में हो जाएगा, इसीलिए इस कंडीशन को अपन बोलते हैं पल्मोनरी इडिमा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे भैया, है ना? पल्मोनरी इडिमा करेक्टरिस्टिक है किसका? पल्मोनरी इडिमा आपको याद रखना है, दैट इज द पल्मोनरी इडिमा। अब पल्मोनरी इडिमा आपको अपने आप में कंडीशन बता रहा है, दैट इज द LVF, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। कॉन्सेप्ट ये याद रखना है, बांट वही पाएगा जो रिसीव करेगा, जिनके पास कुछ है ही नहीं वो घंटा क्या बांटेंगे? तो कहां से रिसीव करते हैं? लंग से रिसीव करते हैं। रिसीविंग अगर प्रॉपर नहीं हो पा रही है तो इनकी पंपिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी, यानी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इन दैट केस द एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस इनटू द लंग्स एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। एम आई क्लियर? क्या मैं ये बात समझा पा रहा हूं कि भैया किस तरीके से कंडीशन आपको देखने को मिलेगी? क्या मेरी बात समझ में? ठीक है, जब आपको याद रखना है कि पल्मोनरी इडिमा हो जाएगा, लंग्स के अंदर ब्लड का इकट्ठा हो जाएगा, तो देयर विल बी अनदर करेक्टरिस्टिक फीचर्स, दैट इज द डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, मेरे लंग्स में एयर होनी चाहिए थी बट देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड, इन दैट केस यू विल सी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, यानी
जिस तरीके से ये पेशेंट अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान रखेंगे कंजेशन ऑफ लंग्स होगा तो आपको याद रखना है डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग भी देखने को इनमें भाई साहब में मिलेगी, बिकॉज माय लंग्स इज मेड फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ एयर, इनस्टेड ऑफ एयर देयर इज अ एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड। तो अगर एक एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड होगा तो आपको याद रखना है कि इस कंडीशन में क्या मिलेगा, आपको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी मिलेगी। और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, दिस इज सिंपल वर्ड, लेकिन इसी के लिए मोटा भारी भरकम एक शब्द यूज कर देते हैं अपन, है ना, मेडिकल साइंस का, दैट इज द डिस्निया, है ना। तो भैया आपको ये डिस्निया भी याद रखना है, वैसे तो मैं जानता हूँ कि जनता को ये बातें पहले से पता है, तो ये फिर भी आप लोग याद रखेंगे डिस्निया, दैट इज द डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। अब ये डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग है, ये तो भैया और भी जगह हो सकती है ना, क्योंकि अपन इतनी फिजियोलॉजी पढ़ के आ चुके हैं, रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम होगी तब भी हो सकता है, देन भाई साहब को निमोनिया हो रखा होगा तब भी हो सकता है, देन हाउ वी विल डिफरेंशिएट। तो इसके लिए आपको एक बेसिक सा पॉइंट ध्यान रखना है कि जो डिस्निया होगा इट विल बी ऑफ टू टाइप। डिस्निया किस तरीके का होगा ताकि भैया हम करेक्टरिस्टिक इसको आइडेंटिफाई कर सकें, तो आपको डिस्निया दो तरीके से समझना है। जो यहाँ पे डिस्निया होता है वो किस तरीके का, एक होगा पोस्चरल डिस्निया, है ना, पोस्चरल, भैया ये क्या है पोस्चरल डिस्निया, एक मिनट ध्यान दें अभी बताने जा रहे हैं, पोस्चरल डिस्निया, एंड दूसरा होगा पीएनडी, है ना। व्हाट इज द पीएनडी, व्हाट इज द पीएनडी, डिस्निया किसी ने पढ़ा है तो भैया पीएनडी बता पाओगे, व्हाट इज द पीएनडी मीनाक्षी, व्हाट इज द पीएनडी, कोई बात नहीं, ठीक है। पोस्चरल डिस्निया इसका दूसरा शब्द इसके लिए यूज करते हैं, आपको याद रखना है पोस्चरल डिस्निया के लिए एक शब्द यूज करते हैं ऑर्थोपनिया, है ना, ऑर्थोपनिया, तो इसको ऑर्थोपनिया भी बोलते हैं, है ना, ऑर्थोपनिया। अभी बताएंगे पोस्चर चेंज करने पर ब्रीदिंग में किस तरीके का चेंज आता है, तो इसीलिए आपको पोस्चरल डिस्निया या ऑर्थोपनिया याद रखना है। और जो पीएनडी लिखा है, पीएनडी में आपको याद रखना है भैया, पीएनडी की फुल फॉर्म कोई बताना चाहेगा, नहीं तो लिखेंगे पैरोक्सिमल, पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल, जो मोटे लोग हैं उनसे पूछोगे तो बताएंगे भैया, है ना, नॉक्टर्नल डिस्निया, रात में इन भाई साहब को अचानक से सोते सोते दम घुटने लगेगा, सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी, जागता हुआ पेशेंट अचानक से जगेगा और एकदम घबरा जाएगा, यानी पैरोक्सिमल का मतलब होगा सडन, उसको ऐसा लगेगा कि उसकी जो का है सांस बंद हो गई है, चोकिंग हो चुकी है। और ओबेसिटी के पेशेंट को ये ऑब्जर्वेशन अक्सर देखने को मिलता है, मेरे घर में ही एक दो पेशेंट है ऐसा कि वो अचानक से जब जागते हैं उनको लगता है कि उनको कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ये हकीकत क्या है, ये किसकी वजह से हो रहा है, इट इज़ ड्यू टू द ओबेसिटी। तो आपको याद रखना है कि करेक्टरिस्टिक ओबेसिटी एक उसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, लेकिन ये इंडिकेट क्या करता है, ये इंडिकेट करता है आपको, क्या बता रहा है, ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर की कंडीशन है भैया, ध्यान रखेंगे इस बात का। हालांकि केवल पीएनडी का पाया जाना कोई ऐसी बात नहीं है, पीएनडी की और केसों में भी पाया जाता है, लेकिन फिर भी एक कंट्रीब्यूटिंग फीचर है पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया, रात में अचानक से सोते सोते अचानक से पेशेंट घबरा कर जगेगा, कहेगा कि रात में डॉक्टर साहब अचानक से नींद खुलती है और घबरा जाता हूँ, हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो उसका रीजन क्या है, ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। अपन उस दिशा में थोड़ा सा सोच सकते हैं कैसा कारण एक हो सकता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर, हालांकि मैं बार बार कह रहा हूँ पीएनडी का पाया जाना आपको ये नहीं बताता है कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है, लेकिन हाँ अगर हम और करेक्टरिस्टिक मिल रहे हैं जिस पर मैं अभी बात करूंगा तो वो बता सकता है, वो एक कंट्रीब्यूटिंग एक फैक्टर है, तो इस बात को आपको याद रखना है। अब मोटा मोटी ये दो तीन शब्द तुमने याद कर लिए हैं, लेकिन अब मैं दो तीन जो शब्द लिखने जा रहा हूं उनको तुम बहुत अच्छे से याद रखोगे तो इस केस में हम बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई कर पाएंगे। एनी हार्ट फेलियर के लिए कुछ बेसिक बातें आपको याद रखनी है ना, हार्ट फेलियर के लिए कुछ बेसिक बातें याद रखनी है, ये तो मैंने राइट और लेफ्ट को स्पेसिफाई करके बताया, लेकिन अगर हार्ट फेलियर के बारे में बात करें है ना, तो आपको क्या चीज देखने को मिल सकती है, तो आपको याद रखना है कि इस केस में आपको कुछ बेसिक चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे मैंने बताया शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, है ना। वैसे मैं इस पर एक अलग से डेडिकेटेड लेक्चर कल या परसों में रिकॉर्ड करने वाला हूं, तब तुम लोग उसको देखना एक बार, है ना,
उसमें समझना ऐसे है, क्योंकि आज के समय में तुम लोग देख रहे हो कार्डियक प्रॉब्लम इतनी सारी हो रही है ना, और जब कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो तुम लोगों को, तुमने सुना होगा, तुम अगर समाज में लोगों में बैठते हो सुनते हो, तो लोग कहते हैं कि अरे बिल्कुल ठीक थे, अचानक से उनको अटैक आया और डेथ हो गई, है ना। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, है ना। कार्डियक डेथ कभी भी अचानक से नहीं होती है। हालांकि 1-2% ऐसे केसेस हैं जो मैंने तुमको बताया था कि कंडक्टिंग सिस्टम या आपका जनरेशन सिस्टम फेल होता है, तब ऐसा होता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को जब भी कोई हार्ट की प्रॉब्लम होती है या कार्डियक अरेस्ट आता है, तो उसकी पहले से कुछ सिम्टम्स होते हैं, बट हम इतना प्रिसाइज नहीं है, हमारा मेडिकल सिस्टम इतना प्रिसाइज नहीं है, या ये कह सकते हो सुविधाओं की अनअवेलेबिलिटी है, लोगों के पास फाइनेंस की प्रॉब्लम है। लेकिन सिम्टम्स जरूर होते हैं, है ना, जैसे सांस लेने में तकलीफ होना, सीढ़ियां चढ़ने में थकान हो जाना, बहुत ज़्यादा थके हुए फील करना, है ना, या बॉडी पे कहीं भी स्वेलिंग नज़र आना। इस चीज़ को अपन ज़्यादातर, है ना, जितने तुम लोग कैंप वगैरह जाते हो, वहाँ जब तुम ऑब्जर्व करते हो, है ना, यही ऑब्जर्व करना होता है कि वहाँ पे पेशेंट 70-80%, मैं हर बार बोलता हूँ कि 70-80% जो पेशेंट आ रहा है, दैट इज़ ड्यू टू द अंडर न्यूट्रिशन, है ना। अंडर न्यूट्रिशन की वजह से उसकी बॉडी में स्वेलिंग है, उसका बॉडी फेल, कह सकते हो कि मतलब लंग्स भी फेल है, हार्ट भी फेल है, फिर भी उसे पता ही नहीं चल रहा है ना, क्योंकि ऑब्जर्वेशन इतना बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि मैं पहले बता रहा हूँ कि लक्षण होते हैं, हम उसे पकड़ नहीं पाते, हमको लग रहा है अरे ठीक तो चल रहा है, क्योंकि हमारे देश में स्पेशली जब तक आदमी लेट ना जाए स्ट्रेचर पे, तब तक अपन उसे हेल्दी ही मानते हैं, है ना। जब तक वो बैठ जाएगा एकदम कि भैया आप नहीं चला जा रहा, तब कहते हैं अरे बीमार है, चलो दिखाने चलते हैं, है ना। अपन जो एक जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, या ये कह सकते हैं कि जो हेल्थ चेकअप का प्रोटोकॉल है ना, वो हमारे यहाँ नहीं होता। इवन देन फॉरेन कंट्री में तो एनिमल्स पे भी लागू है कि भैया इतने समय में वेटनरी डॉक्टर की विजिट होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ इंसानों पे भी जो है इस तरीके की प्रोटोकॉल लागू नहीं होते हैं। समय समय पे हमें जो बॉडी के फिजिकल फिटनेस के लिए, और आजकल थोड़ा सा लोग जागरूक हो रहे हैं, फिर भी तो वहाँ पे हम जानेंगे कि करेक्टरिस्टिक, अभी हार्ट फेलियर के मैं बारे में बात कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, ये करेक्टर मिलेगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी अगर किसी व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जल्दी जल्दी सांस ले रहा है, तो ये करेक्टर हो सकता है, ध्यान रखना हार्ट फेलियर के बारे में, है ना। आप सोच सकते हो, ये नहीं है कि किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पता चला किसी और की वजह से तुमने उसके दिमाग में बैठा दिया कि जाओ बेटा तुम्हारा तो हार्ट फेलियर हो रहा है ना, ऐसा नहीं करना है, एक करेक्टर हो सकता है। आगे देखेंगे स्वेलन साइनोटिक फीट, है ना, या लिखते हैं स्वेलन फीट, है ना, स्वेलन ऐसे लिखेंगे, स्वेलन फीट, यानी इस व्यक्ति के पैरों में सूजन है, है ना, तो ये भी एक कारण हो सकता है, जैसे मैंने अभी बताया राइट वेंट्रिकुलर फेलियर का एक कारण है। यानी अगर ऐसा हो रहा है तो हम सोचेंगे, दिमाग चलाएंगे कि ऐसा तो नहीं है कि ऐसा हो रहा। हालांकि जब और चीज़ें तुम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लोगे, तो तुम लोगों ने देखा होगा प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर, है ना, पीडल ईडमा देखने को मिलता है, किसी ने ऑब्जर्व किया है, पढ़ा है तुम लोगों ने ये चीज़, प्रेगनेंसी के दौरान पीडल ईडमा होता है। नाजिरा क्या ये बात पता है, ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है प्रेगनेंसी के, हाँ, तो उसका क्या रीजन होता है, प्रेगनेंसी के दौरान पीडल ईडमा का पाया जाना क्या रीजन हो सकता है, या तुमने कभी ट्रीटमेंट होते हुए देखा हो किसी प्रेग्नेंट लेडी का, ट्रीटमेंट चल रहा है, स्वेलिंग है उसका, भैया मेन करेक्टरिस्टिक होता है एनीमिया, है ना। हमारे देश में जो है फीमेल्स, बहुत ज्यादातर फीमेल्स क्या है, एनीमिक है, तो एनीमिया की वजह से भी स्वेलिंग होती है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से भी जो का है क्या होता है, स्वेलिंग देखने को मिलती है, है ना, तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो अगर प्रेगनेंसी वगैरह की कंडीशन में आपको स्वेलिंग आ रही है, तो उसमें आप हार्ट को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, है ना, जब तक और करेक्टरिस्टिक नहीं मिल रहे हैं, उसको अपन कहेंगे कि ये तो न्यूट्रिशन की वजह से, प्रोटीन की अगर कमी हो जाती है, स्पेशली एल्बुमिन प्रोटीन की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है, तो वाटर का रिटेंशन बढ़ जाता है ना, क्योंकि अब तुम लोगों ने इतना पढ़ी लिया है कि एल्बुमिन मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, तो अगर एल्बुमिन रहेगी नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें वाटर का रिटेंशन ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे ये बातें कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि स्वेलिंग का पाया जाना, बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि पता चला एक दो लोग ऐसी हरकत किए हैं, है ना, आसपास के ही, कि उनको ओपीडी में एक दो बार जाते हुए मैंने देखा है, हमारे ही साथ के कह लो या कुछ भी कह लो, उसमें लोग तुरंत जजमेंटल हो जाते हैं। जजमेंटल नहीं होना है जब तक तुम्हें बहुत सारी चीज़ें नहीं मिले एक ही चीज़ की, है ना, ये नहीं पता चला कि गर्दन किसी की स्टिफनेस है, तुम पढ़ के आए और रात को पढ़ा तुमने मेनिनजाइटिस, तुमने कहा अच्छा अगर बच्चे की गर्दन अकड़ रही है, थोड़ा सही से नहीं घुमा पा रहा, लिखो साले को मेनिनजाइटिस, ऐसा नहीं करना, और भी चीज़ें देखनी होती हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीद होना, स्वेलन, देखो जब हम क्राइटेरिया पढ़ेंगे, है ना, इन चीज़ों का और थोड़ा डिटेल पढ़ लेंगे, तो जब 4-5 क्राइटेरिया पक्के मिलते हैं उस पेशेंट में जो एकदम डिफाइन कर रहे हैं कि ये उसी से रिलेटेड है, तब हम सस्पेक्ट करते हैं कि यार मामला उसका तो नहीं है।
तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना, स्वेलन फीट होना, याद रखेंगे स्वेलन साइनोटिक फीट है ना। अच्छा मैंने यहाँ केवल स्वेलन फीट लिखा है, स्वेलन साइनोटिक, साइनोटिक का मतलब कलर चेंज समझ रहे हो ना, साइनोसिस का मतलब तुम लोग जानते ही हो है ना, तो ब्लूइश डिस्कलरेशन साइनोसिस का मतलब समझ रहे हो ना भाई, ब्लूइश अपीयरेंस होना, तो ये याद रखना है कि स्वेलिंग का जो है। अच्छा फ्लूड सराउंडिंग द लंग्स, यानी आपको दूसरा एक और करेक्टर याद रखना है, फ्लूड सराउंडिंग द लंग्स, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं मीनाक्षी, फ्लूड सराउंडिंग द लंग्स, तुमने सुना होगा गांव देहात में, अगर तुम बच्चों तुमने लोगों से सुना होगा, लोग बोलते हैं इनके फेफड़ों में पानी भर गया है। हाँ प्लूरल इफ्यूजन तो भैया अंग्रेजी का वर्ड है, इसमें मेडिकल के लिए क्या टर्म यूज करते हैं इसके लिए, सुना नहीं तुमने, बोलते हैं लोग इनके लंग्स में पानी भर गया है। नहीं नहीं नहीं, हाइड्रोथोरिक्स क्यों कहेंगे, मतलब कुछ भी, इसको बोलते हैं एटीलेक्टियासिस, नहीं सुना ये शब्द है ना, मोटा सा शब्द है, गूगल कर लेना है ना, अंग्रेजी हो सकता है मैं गलत लिख रहा हूँ, एटीलेक्टियासिस है ना, देख लेना भैया, लेक्टियासिस, एटीलेक्टियासिस का मतलब फ्लूड सराउंडिंग द लंग्स है ना, एटीलेक्टियासिस। चलो उसके बाद तुम लोगों ने देखा क्या मिलेगा, यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मिलेगी, स्वेलन फीट मिलेंगे, स्वेलन साइनोटिक फीट मिलेंगे, लंग सराउंडिंग द फ्लूड मिलेगा, साथ में आपको एनलार्ज्ड हर्ट मिलेगा, फेल होगा तो भैया ये एनलार्ज होने की कोशिश करेगा, ध्यान रखना एनलार्ज्ड हर्ट, यानी हर्ट के अंदर कार्डियो, इसके लिए शब्द यूज करते हैं कार्डियोमेगैली है ना, कार्डियोमेगैली, जब मैं तुम लोगों को एक्सरे वगैरह पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा कि इसे देखते कैसे हैं, ठीक है कार्डियोमेगैली। आगे क्या देखेंगे, कफिंग देखने को मिलेगी भैया इसमें है ना, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा खांस रहा है तो ये भी एक कारण हो सकता है भैया, हार्ट का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ध्यान रखना है ना। और उसके बाद पल्मोनरी ईडिमा, पल्मोनरी ईडिमा, यानी आपको ये करेक्टरिस्टिक देखने को मिल रहे हैं तो हार्ट फेलियर की कंडीशन हो सकती है, साथ में एक और चीज लिख लेंगे पीडल ईडिमा है ना, ये दोनों का मतलब मैंने समझा दिया वैसे तुम लोगों को, तो पीडल और पल्मोनरी ईडिमा दोनों की कंडीशन मैंने अभी बताया, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के केस में आपको पल्मोनरी कंजेशन मिलेगा, पल्मोनरी ईडिमा मिलेगा, जबकि आपके राइट वेंट्रिकुलर फेलियर में क्या मिलेगा, पीडल ईडिमा मिलेगा। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं भैया, क्या मैं ये चीजें समझा पा रहा हूं तुम लोगों को, अरे क्या ये बातें समझ में आ रही हैं, कैसे करेक्टर्स, ठीक है, यानी हार्ट फेलियर का यानी इन्वॉल्वमेंट ऑफ हार्ट अगर भैया हो रहा है तो मैंने पहले ही बताया है कि अगर प्रॉपर ब्लड पंप नहीं होगा तो प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, प्रॉपर ग्लूकोज की सप्लाई नहीं होगी, तो ये व्यक्ति में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, स्वेलन साइनोटिक फीड होंगे, क्योंकि अगर बॉडी का परफ्यूजन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, तो आप जानते ही साइनोसिस होने वाली है, लंग्स के चारों तरफ फ्लूड का इकट्ठा हो जाना, हार्ट की जो है का है बढ़ जाना, यानी सॉरी हार्ट का मैंने क्या लिखा है, इंक्रीज हार्ट है ना, तो इसको उल्टा लिख दिया, एनलार्ज लिखना चाहिए था, हर्ट हर्ट दो बार लिख दिया, तुम लोग बोले भी नहीं हो है ना, एनलार्ज हर्ट, ठीक है, एनलार्ज का मतलब बड़ा हुआ, तो इस बात को लिखेंगे एनलार्ज हर्ट, तो एनलार्ज हर्ट देखने को मिलेगा, साथ में कफिंग देखने को मिलेगी, पल्मोनरी ईडिमा मिलेगा, पीडल ईडिमा मिलेगा, यानी ये बेसिक वो करेक्टरिस्टिक हैं जो हर्ट फेलियर के पेशेंट में आपको ऑब्जर्व होंगे, ध्यान रखनी ये बातें, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का पाया जाना, साइनोटिक जो का है बॉडी स्वेलन फीट का पाया जाना, स्वेलन साइनोटिक फीट का पाया जाना, लंग्स का फ्लूड एक्यूमुलेशन पाया जाना, ये सारे करेक्टरिस्टिक आपको कहाँ मिलने वाले हैं, हार्ट फेलियर के कंडीशन में मिलने वाले हैं। अब मेरी जो का है ये सारी बातें अगर तुम लोगों को सही से समझ में आ रही हैं है ना, तो मैंने जब तुम लोगों को क्या बताया था, जब मैंने फिजिकल एग्जामिनेशन पढ़ाया था तो मैंने फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए मैंने तीन पॉइंट पढ़ाए थे अगर किसी को याद आ रहे हैं है ना, और उन तीन पॉइंट के आधार पर मैंने तुम लोगों को एक डायग्नोसिस बनाने के लिए बोला था, और उस डायग्नोसिस में मैंने बोला था क्या क्या बातें लिखी थी, मैंने लिखा था पीडल ईडिमा, और मैंने लिखा था आपको दैट इज द पेरी ऑर्बिटल, पेरी ऑर्बिटल ईडिमा, पेरी ऑर्बिटल ईडिमा, और अगला लिखा था एब्डोमिनल ईडिमा, क्या ये किसी को याद आ रहा है, क्या किसी को ये बात याद आ रही है,
अब तो जो कि तुम बोल भी नहीं सकते हो बेटा, तुमने रिकॉर्ड थोड़े किया था जो तुम कहोगे कि मैंने पढ़ाया था। ये मैंने शब्द लिखाए थे, किसी को याद आ रहा है? इडमा के ऊपर ये मैंने एक जनरल पॉइंट बताया था, किसी को याद आ रहा है? अच्छा ठीक है, अगर याद आ रहा है तो पीडल इडमा किस कंडीशन में मिलेगा? मीनाक्षी बताएंगी पीडल इडमा की करेक्टरिस्टिक क्या है भैया, पीडल इडमा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जो एक्सक्लूसिवली मैंने बताया था कि आपको ध्यान रखना है, ये इंडिकेट करता है अगर इतनी चीजें आपको मिल रही हैं तो आप आइडेंटिफाई यानी जो डीडी की बात होगी, डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात होगी, आप सही पॉइंट पर पहुंच जाएंगे अगर आप सही से याद किए हैं तो। क्योंकि ये करेक्टर एक दूसरे में देखना मेल, जब डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात आती है अच्छे अच्छे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कई करेक्टरिस्टिक कई बीमारियों में कॉमन मिलेंगे तो अपन कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो पीडल इडमा अगर याद कर पा रहे हो, मीनाक्षी मैंने बताया था कार्डियोवास्कुलर डिजीज एसोसिएटेड होगा तो आपको याद रखना है, हृदय संबंधी रोग होंगे तो वहां आपको मेनली क्या मिलेगा? कुछ कहना चाह रहा है कोई? अरे कुछ बोल रहे हो भैया, बोलो, कौन बोला? अरे बोलो तो सही, किसी ने कुछ बोला था, मुझे सुनाई दिया था अभी। कार्डियोवास्कुलर डिजीज पर्टिकुलरली द राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, ध्यान रखेंगे कि पीडल इडमा इज सजेस्टिव ऑफ, आपको याद रखना है कि अगर पीडल इडमा पाया जा रहा है तो ये सजेशन दे रहा है कि ये कार्डियक एबनॉर्मलिटी की वजह से हो सकता है, ये हृदय रोगों की वजह से हो सकता है। अगर पैरों में सूजन है, और आगे जब मैं बात करूंगा तो बताऊंगा कि एक स्पेसिफिक एज है, मिडिल एज का व्यक्ति है, 40, 45, 50 साल का है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है इसको, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रखी है, इसके पीडल इडमा जो का इसको हो रखा है, कार्डियोमेगेली हो रखी है, तो अपन जान जाएंगे कि ये मामला किसका है, हार्ट फेलियर का मामला है। अगर ये स्वेलिंग मैंने बताया पेरी और वाइटल, पेरी और वाइटल का मतलब सिंपल भाषा में अराउंड द आई है ना, अगर आपकी सूजन जो देखने को मिल रही है ये आई के चारों तरफ मिल रही है, तो मैंने इसके लिए बताया था, याद करो कि ये रीनल, यस सजेस्टिव ऑफ रीनल डिसऑर्डर, मैंने बताया था कि ये किडनी की बीमारियों को इंडिकेट करता है, और खासकर ये बच्चों में है ना, जब मैं नेफ्राइटिस पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा तुम लोगों को कि बच्चों में ये चीज़ बहुत आइडेंटिफाई आसानी से हो जाती है, खासकर जो हॉस्पिटलाइज बच्चे होते हैं उसमें अगर तुम देखोगे, और ये क्योंकि ये कंडीशन 5 साल से कम के उम्र के बच्चों में मिलती है अगर देखोगे तो, है ना, 5 साल से कम उम्र होती है उनमें ये एक्सक्लूसिवली देखने को मिलेगी। हाँ जो हाइयर एज के लोग हैं उसमें, जो मेल में यानी बड़े एज के लोगों में भी, यानी पेरी और वाइटल इडिमा इज सजेस्टिव ऑफ द रीनल डिसऑर्डर। इसी तरीके से जब मैंने एब्डोमिनल, जी अच्छा ऐसा नहीं कहा था भैया, पंखे की आवाज से हटो थोड़ा सा, पंखे की आवाज आ रही है, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा फेस कहा था, चलो कोई नहीं, तो अभी लिख लो अराउंड आई, ठीक है, अराउंड आई स्पेशली सजेस्टिव ऑफ द रीनल डिसऑर्डर। इसी तरीके से एब्डोमिनल अगर स्वेलिंग है, यानी एब्डोमिनल स्वेलिंग को अपन एसाइटिस के अंदर मैंने बताया होगा तुम लोगों को, तो याद लिखेंगे सजेस्टिव ऑफ लिवर डिसऑर्डर, सजेस्टिव ऑफ लिवर डिसऑर्डर, यानी जो लिवर की बीमारियां हैं एब्डोमिनल एरिया में अगर स्वेलिंग देखने को मिल रही है तो आपको याद रखना है कि ये पॉइंट किसका हो सकता है, ये पॉइंट हो सकता है आपका जो है लिवर डिजीज का। क्या बात क्लियर हो रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है भैया? ओके, तो क्लिनिकल फीचर्स में अगर देखोगे तो क्लिनिकल फीचर्स मैंने तुम लोगों को बेसिक से बताए हैं। हाँ अब आपको एक चीज और याद रखनी है ना, जैसे मैंने अभी तुम लोगों को दो शब्द यूज किए थे कि जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर की कंडीशन है ना, और राइट वेंट्रिकुलर फेलियर की कंडीशन है, इन दोनों के अपने आप में अलग अलग करेक्टरिस्टिक हैं, तो इस पर अपन जो है कल की क्लास में चर्चा करेंगे, थोड़ी सी और डिटेल में जाएंगे, साथ में इसके मैनेजमेंट पे बात करेंगे, इसके ट्रीटमेंट पे बात करेंगे, और कल की क्लास में आपका हार्ट फेलियर का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ये, क्योंकि इसमें डायग्नोसिस मुझे अच्छे से तुम लोगों को बतानी है, तो इसीलिए इसे आगे कंटिन्यू कल करेंगे।